आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। कुशीनगर में शहीद मेजर अमियत त्रिपाठी क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता की शुरुआत के लिए लखनऊ से चलकर एक मशाल जुलूस फजल नगर स्थित महावीर इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचा। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी इस आयोजन में मुख्य अतिथि रहीं। मीडिया से मुखातिब होते हुए दीपिका ने इस मुकाम तक पहुँचने की कठिन राह और संघर्ष के बारे में बताया। मेहनत करने की जरूरत है, गवर्नमेंट से और फैसिलिटीज मिलने की जरूरत है। यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो हमें टाइम से पहले प्रोवाइड किया जाए ताकि हम उसका यूटिलाइज़ कर सकें और ज़्यादा मेहनत कर सकें और अपने जो ट्रेनिंग है उस बेसिस पे हम चेंज कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। यही बोलना चाहूँगी कि भरोसा रखें और कॉन्फिडेंट रखें अपने आप पे और जो भी कर रही हैं वो करें और उनको सफलता धीरे धीरे ज़रूर हासिल होगी अगर वो कंटिन्यू मेहनत करते रहें तो, और साथ साथ बिल्कुल पढ़ाई ना छोड़ें। बागपत में सीएम योगी आदित्यनाथ के होने वाले दौरे को लेकर गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ दिए गए गैर जमानती वारंट पर बोलते हुए कहा कि विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश होंगे। इसके साथ ही उन्होंने गन्ना भुगतान की समस्या को लेकर और रमला शुगर मिल की पिराई क्षमता बढ़ाई जाने को लेकर मीडिया को जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को एक सप्ताह के अंदर कराने का वादा किया। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर रमाला शुगर मिल, जो देश में सबसे देरी से तक चलने वाली शुगर मिल है, कारण ये है कि गन्ने की उपलब्धता ज़्यादा है, पिराई की क्षमता कम है। पिछले 35 साल से लगातार इस मिल के क्षमता विस्तार की मांग राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही थी, लगातार किसानों के द्वारा की जा रही थी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मांग को स्वीकार किया है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मांग पर आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी बैठे हैं, हमारे सम्मानित विधायक यहाँ बैठे हैं, लगातार इस मांग पर उन्होंने से स्वीकार किया और 308 करोड़ रुपए की लागत से रमाला शुगर मिल, जो अब तक 2750 टीसीडी की थी, उसे बढ़ा करके 5000 टीसीडी की हम लोग करने जा रहे हैं और साथ ही 27 मेगावाट का कोजन प्लांट भी हम लगा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सौभाग्य निशुल्क विद्युत कनेक्शन गरीब परिवारों को दिए जा रहे हैं, जिसे लेकर आगरा के पिनाहट में विद्युत केंद्रों पर एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह ने गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन बांटे और ग्रामीणों से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ लेने के लिए कहा। आगरा में हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने आने वाले नए साल पर होने वाले कार्यक्रमों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नए साल पर जो भी कपल्स होटल या पार्क में संदिग्ध रूप से देखे जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि आने वाले नए साल पर वह कपल्स को फूल देकर अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे, जिन्हें युवा पीढ़ी पूरी तरह से भूलती जा रही है। वहीं विश्व हिंदू महासंघ के महानगर अध्यक्ष ने बताया कि अगर प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका गया तो प्रशासन से भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। आगरा में दो अलग अलग जगहों पर लगी आग ने अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया, जिसमें कमला नगर मेन मार्केट में एक 3 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपयों का नुकसान होना बताया जा रहा है। तो दूसरी घटना में 100 फुटा रोड पर एक खड़े ट्रक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रक के पास कूड़ा पड़ा हुआ था, जिसमें किसी ने आग लगाई और देखते ही देखते उस ट्रक ने भी आग पकड़ ली। दोनों जगह पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। बलरामपुर में आधुनिकीकरण मदरसा शिक्षक संघ द्वारा कलेक्टर गेट पर भूख हड़ताल की जा रही है। यह हड़ताल अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा मदरसा शिक्षकों से रिश्वत मांगे जाने और मदरसा शिक्षकों के 3 वर्षों से अधिक का वेतन भुगतान न किए जाने से क्षुब्ध होकर की जा रही है। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे 2 शिक्षकों की हालत चिंताजनक हो गई, जिस पर डॉक्टरों ने कहा कि यदि उन्हें तत्काल इलाज न दिया गया तो खतरा हो सकता है। वहीं शिक्षक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर के किला मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां रहने वाली सपा नेत्री के घर उसकी पुत्रवधू की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद पड़ोसियों से मिली सूचना पर महिला थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने सपा नेत्री से पूछताछ की, वहीं आला अधिकारी को भी इस मामले से अवगत कराया। पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज मृतका के पति सहित एक अन्य युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया है। गाजियाबाद के अकबरपुर बहरामपुर के नगर निगम ने एक कार्यवाही के तहत बुलडोजर चलाया, जिस कारण सैकड़ों लोग घर से बेघर हो गए। ऐसे में ये लोग जमीन पर और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि कार्रवाई से पहले उन्हें निगम की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। लोगों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को जब कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाया तो उन्होंने उसे भी मानने से साफ तौर पर मना कर दिया।
हाथरस में सादाबाद इलाके के द्रोपा स्क्वायर नाम की मार्केट में आग लग गई, जिसमें लगभग आधा दर्जन दुकानों में रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलने पर जिले भर की दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकानदारों का आरोप है कि मार्केट में किसी के द्वारा जानबूझकर आग लगाई गई है। वहीं फायर ब्रिगेड इंचार्ज ने कहा कि मार्केट में बिजली कनेक्शन नहीं होने के बाद भी आग लगना जाँच का विषय है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज कस्बे के साजिद अस्पताल में स्माइल ट्रेन संस्था ने कैंप लगाकर कटे होंठ और तालू के मरीजों का निशुल्क इलाज किया। यह संस्था कैंप लगाकर मरीजों की प्रशिक्षित डॉक्टरों से जांच करवाते हैं, उसके बाद इन मरीजों को लखनऊ ले जाकर ऑपरेशन करवाते हैं। हॉस्पिटल के प्रबंधक ने बताया कि संस्था सेवा भाव से निशुल्क कार्य करवाती है। जो मरीज इस शिविर में आते हैं उनकी सर्जरी भी निशुल्क होती है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।